मुंबई में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने प्रतिबंधित कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी में शामिल एक अंतर्राज्य गिरोह का भंडाफोड़ कर इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 50 लाख रुपए का मादक पदार्थ भी बरामद किया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। एनसीबी अधिकारी के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर ब्यूरो की मुंबई स्थित क्षेत्रीय इकाई ने शुक्रवार को इस गिरोह के खिलाफ अभियान शुरू किया। अधिकारी के अनुसार लगातार निगरानी के बाद एनसीबी ने इन गिरोह के प्रमुख सदस्य और उनकी भूमिका, कार्य प्रणाली और वित्तीय स्रोत और विभिन्न परिचालन संबंधी जानकारियां जुटाई। एनसीबी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सीबीसीएस की खेप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जरिए नकली पते और जाली दस्तावेजों के आधार पर मुगल सराय से महाराष्ट्र के पुणे भेजी जा रही थी। बयान में कहा गया कि सीबीसीएस की एक खेप पुणे रेलवे स्टेशन पर प्राप्त की गई थी। अब इस मामले में मुंबई में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।